हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी और ट्रेंडिंग फैशन के बारे में। आज के वीडियो की अगर मैं बात करूं तो आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है। जी हां, आज के वीडियो में ना हम फैशन की बात करेंगे, ना ब्यूटी की बात करेंगे, ना स्किन केयर की बात करेंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन आज का वीडियो स्पेशल होने के साथ साथ बहुत अलग होने वाला है। जी हाँ, एक्चुअली आज का वीडियो जो है हम सारी औरतों के लिए बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जब त्यौहार आते हैं ना तो मज़ा तो बहुत आता है, सेलिब्रेशन होता है, फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो होती है जो हम सब औरतों के लिए कॉमन होती है, वो होता है काम का लोड। जी हाँ, खाना भी बनाना है, खुद भी तैयार होना है, सबको तैयार करना है, घर में का ख्याल रखना है, और उससे पहले घर की साफ सफाई। जी हाँ, त्यौहार आता है तो भी हमें साफ सफाई करनी होती है, और त्यौहार के बाद भी साफ सफाई करनी होती है। हम सभी औरतें जानती हैं घर का काम करना इतना आसान नहीं होता है। कई बार क्या होता है, कुछ काम में तो हमारा पूरा दिन चला जाता है, क्योंकि छोटे छोटे काम लगते छोटे हैं लेकिन जब आप करने बैठो ना तो बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही आसान घरेलू काम के हैक्स बताएंगे, जिससे जिसको यूज़ करके हमारा काम कम तो नहीं होगा लेकिन हाँ, बहुत आसान हो जाएगा और टाइम भी कम लेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अक्सर होता है कि घर में जो नालियाँ होती हैं वो जाम हो जाती हैं, पानी बहना बंद हो जाता है, या कहीं थोड़ा बहुत कुछ फंसा रहता है तो पानी का रुक रुक के बहता है, जो कि बहुत इरिटेटिंग होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कॉफ़ी पाउडर, पाउडर जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं वो वाला नहीं, एक्चुअली कॉफ़ी के जो बीज होते हैं वो जो दरदरे थोड़े से पीसे हों वो लेना है, और खूब उबलता हुआ पानी लेना है, ठीक है। उन दोनों को मिक्स करके आपको नाली में डाल देना है, थोड़ी देर तक डालना है और तेज़ धार में डालना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो नाली जो जाम है ना वो खुल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके नाली के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, नाली जाम हो, तो ये हैक ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड हैक की मैं बात करूँ तो अगर आपके घर में लकड़ी का फर्नीचर है और जिसमें छोटे छोटे स्क्रैच आ गए हैं तो दिखने में बहुत ही बुरे लगते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, उसको टूथपेस्ट से सही कर सकते हो। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आपको नॉन जेल मतलब कि जो जेल वाला टूथपेस्ट होता है वो नहीं लेना है। आप जैसे ले सकते हो कोलगेट, जो थोड़ा सा जेली फॉर्म में ना हो, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट वाला पेस्ट होता है वो नहीं लेना है। तो आपको थोड़ा सा नॉन जेल टूथपेस्ट लेना है, उसको क्या करना है, लगा देना है, ठीक है, जहाँ जहाँ स्क्रैच है उसमें लगा देना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो उसमें सूख जाता है, आपको कपड़ा लेना है, हल्का सा घिस के और पोंछ देना है। पोंछने के बाद अगर वो फिर भी विजिबल है, पेस्ट अगर आपके फर्नीचर में विजिबल है, तो आप सेम कलर का नेल पेंट लेके हल्का सा उस पर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका स्क्रैच है ना वो इनविजिबल हो जाएगा और आपका जो फर्नीचर है वो स्क्रैच फ्री हो जाएगा। जी हाँ, तो ये हैक आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक की मैं बात करूँ तो ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर घर में अगर बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं ना, तो ये जो दीवारें हैं इनको वो अपना कैनवास समझते हैं, तो उनको जितनी पेंटिंग आती है ना इसको ही कैनवास समझ के सब भड़ास निकाल लेते हैं। तो अगर आपके घर में भी ये प्रॉब्लम है, आपकी भी दीवारों पे क्रेयॉन के बहुत सारे दाग धब्बे दिख रहे हैं, बच्चों के बनाई हुई पेंटिंग है और आप उसको हटाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना हेयर ड्रायर लेना है जिससे आप अपने बाल सुखाते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए आप जहाँ भी दाग धब्बे हैं, जहाँ भी वो पेंटिंग है उस पर थोड़ी देर के लिए आप चला दो, तो क्या होता है, क्रेयॉन जो होता है ना वो पिघल जाता है, पिघल जाता है। उसके बाद आपने कपड़ा लेना है, उसको साफ से पोंछ देना है, तो आपका जो भी क्रेयॉन के दाग है ना बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे और बिल्कुल भी आपकी दीवार पर दाग धब्बा नहीं दिखेगा, दीवार आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आपकी दीवारों में क्रेयॉन के दाग हैं, तो आप इस तरीके से आसानी से साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक की मैं बात करूं तो वो है सफ़ेद सिरके वाला है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, जो विनेगर होता है, वाइट विनेगर, जैसे एप्पल साइडर विनेगर हुआ, जो वाइट विनेगर होता है उससे हम दो काम कर सकते हैं। सबसे पहला तो अगर आपके घर में माइक्रोवेव है और आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, माइक्रोवेव से हल्की सी स्मेल आती है, थोड़ी बदबू आने लगती है, तो उस बदबू को हटाने के लिए आपने क्या करना है, वाइट विनेगर लेना है, सफ़ेद सिरका एक बाउल में लेना
लेना है और थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख के हल्का सा आपको माइक्रोवेव 10-15 सेकंड के लिए चला देना है। तो उससे आपको दो फ़ायदा होगा, एक तो बदबू चली जाएगी, दूसरा क्या है कि अगर हल्के फुल्के दाग धब्बे हैं ना वो आसानी से आप निकल आएगा, आपने कपड़ा हल्के पोंछ देंगे तो आपका माइक्रोवेव एकदम साफ़ हो जाएगा, चमकने लगेगा। और क्या आप कर सकते हैं, अगर आपके घर में शीशा लगा हुआ है, सबके घर में होता है मेरे जी हाँ, तो उस पर अगर दाग धब्बे हैं तो आपको कोई भी केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सफ़ेद सिरके को हल्का सा डिप करना है कपड़े में, लगा देना है और तो आपने लेना है कॉटन का कपड़ा, उससे आप एकदम से साफ़ कर लीजिए, आपका शीशा एकदम साफ़ हो जाएगा, एकदम नए जैसा हो जाएगा। तो आपने सफ़ेद सिरके से दो काम कर सकते हो, आप अपना शीशा भी साफ़ कर सकते हो और माइक्रोवेव की बदबू भी ख़त्म कर सकते हो। नेक्स्ट हैक की मैं बात करूँ तो वो है माउथ वॉश से आप अपने टॉयलेट की सफाई कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे आपके टॉयलेट में कहीं दाग धब्बे हैं जो आसानी से साफ़ नहीं हो रहे हैं आपसे, इवन आपका टॉयलेट बाउल है वो अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा, उसमें दाग धब्बे हैं, तो आप एक हैक ट्राई करिए। आपने ले लेना है अपना माउथ वॉश, उसको थोड़ी देर के लिए, जैसे अगर आपको टॉयलेट साफ़ करना है 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे पहले ही आप क्या करिए, माउथ वॉश को वो जहाँ भी दाग धब्बे हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए, गिरा दीजिए। ये काम आप माउथ वॉश से भी कर सकते हैं, और अगर कोई कोल्ड ड्रिंक है आपके पास जैसे कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, तो आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, उसको अपने टॉयलेट बाउल में या फिर जहाँ भी दाग धब्बे हैं वहाँ पे आपने गिरा देना है। उसके बाद आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए या 1 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद ब्रश से आप साफ़ कर दीजिए, आपका पूरा बाथरूम ना एकदम साफ़ हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको कोई अलग से केमिकल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो है आप उससे इसको साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, आप इसको हैक कह सकते हैं या फिर मैं ये कहूंगी कि एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए। आप लोग अपने फ्लश टैंक में ना थोड़े पत्थर या ईंटें रख सकते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा, आपको लग रहा होगा ये लड़की पागल हो गई है, क्या बात कर रही है। एक्चुअली क्या होता है, वॉशरूम गए तो फ्लश टैंक क्या होता है, फुल भरा रहता है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है, जब हम फ्लश करते हैं तो बहुत सारा पानी बह जाता है। तो क्या होता है, कम पानी का भी यूज़ हो या ज़्यादा पानी का भी यूज़ हो ना, वो उतना ही उसका लिमिट है, उतना ही फ्लश होता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए, थोड़ा सा पानी बचाने के लिए, आप क्या कर सकते हो, फ्लश टैंक में थोड़ा सा ईंट या पत्थर डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा, कम पानी स्टोर होगा और फ्लश जब आप करेंगे तो उतना ही पानी फ्लश होगा, ठीक है। तो ये आप हैक कह सकते हो, या फिर ये कहिए कि एक छोटा सा दिवाली मैसेज है आप लोगों के लिए। तो इससे क्या होगा, पानी भी कम खर्च होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।